That is called what? Microwave communication. इस माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के कारण, इस माइक्रोवेव ट्रांसमीटर के कारण जितने भी सैटेलाइट्स हैं हमारे अर्थ के अंदर एक डस्टबिन की तरह काम करता है। अगर आप अर्थ को दूर से देखोगे तो अर्थ का अर्थ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अर्थ के ऊपर सब 15 बैठे हुए हैं, सब आगे पीछे सैटेलाइट सब गोल गोल घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस माइक्रोवेव को कनेक्ट करना। इतने सारे माइक्रोवेव हो गए हैं कि डायमीटर मीटर का मापना कम हो ही नहीं सकता। आपका फोन लगा है तुरंत फोन, हाँ बात कर, तुरंत सिग्नल आ रहा है, लेकिन जहां जैमर लगा था वो क्या करता है? ब्रेक कैसे? वो क्या क्या होता है? वही समझना। हाउ दिस जैमर इज वर्किंग अगेंस्ट ऑफ एनी सिग्नल्स राइट? दे यूज ईथर्स लाइक यूजर। वो ईथर को कम करता है। इसको कम करता है, वो ईथर के सिग्नल्स को कम करता है। अगर ईथर कम कर देगा तो क्या होगा? स्पेस में थोड़ा ईथर को डिस्टर्ब कर दिया उसने, उतने उस जगह पर जहां हमारा टावर है वहां इथर को बढ़ा देगा, कम कर देगा उसको, तो सिग्नल खत्म, सिग्नल लॉस्ट। सर हाँ, मोबाइल में जो एयरप्लेन मोड रहता है उसका भी इसी से कोई लेना देना नहीं? एयरप्लेन मोड, हाँ एग्जैक्टली exactly right। ये जो इसका आंसर दिया, एयरप्लेन मोड जो है वो भी तुम्हारा इथर को कम करता है। तो हमने इथर को खत्म कर दिया अपने अंदर का, तो एक मोड है, लेकिन मोड के सिग्नल्स को कम नहीं कर सकते। सिग्नल्स को आप बढ़ा भी सकते हो और कम कर सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। कम कर सकते, सिग्नल कम कर दिए। आप प्लेन में जब जाएंगे तो आपको बोलेगा स्विच ऑफ योर फोन, ऐसा बोलेगा फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। क्यों? व्हाई दे वर टेलिंग यू टू एंड थ्री टाइम्स हिंदी में, पायलट हैव इन तेलुगु में, तमिल में, क्यों बोलते हैं? पायलट गॉट प्रॉब्लम। इथर कम्युनिकेशन कम हो जाए, अगर इथर कम्युनिकेशन अगर डिस्टर्ब ज्यादा रह जाएगा तो हम दूसरे प्लेन के साथ जो सिग्नल्स है, सपोज रास्ता भूल गया प्लेन या रास्ता भटक गया है, तो हम उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब रीजन, दीज आर द कॉम्पिटिटिव आइडियाज टू मैनिपुलेट इट, टू हाउ टू डू दीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही होगा।